बीकेटी के विधायक योगेश शुक्ला द्वारा समस्त देशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी गई। साथ ही उन्होंने कहा कि होली का त्यौहार असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक है और हमें इस त्यौहार को बहुत ही अच्छे तरीके से मनाना चाहिए। किसी भी प्रकार के नशे से दूर अपने परिवारों और मित्रों के साथ इस त्यौहार का आनंद लेना चाहिए। साथ ही योगेश शुक्ला जी ने चंद्रिका देवी मंदिर, जो कि बहुत बड़ा धार्मिक स्थल है, इस मंदिर के लिए लखनऊ चारबाग बस स्टैंड से सीधे बस का शुभारंभ किया, जो कि मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक बेहतरीन तोहफा है। शुरुआत में तो ये एक ही बस चालू की गई है, इसके बाद बसों की संख्या को बढ़ा दिया जाएगा। इसके अलावा इटौंजा क्षेत्र में नए बस स्टैंड का निर्माण किया जाएगा, इसके बारे में भी मीडिया कर्मियों को जानकारी दी। देशवासियों को क्या शुभकामनाएं? पूरे प्रदेश को और मेरे बख्शीताला विधानसभा के जितने भी हमारे समस्त नागरिक हैं, सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली सुखद हो, शांतिपूर्ण तरीके से हो और लोगों के अंदर एक उल्लास बना रहे। जिस तरीके से सरकार ने अभी कुछ दिन पहले ही बजट पेश किया था, वो बजट गांव का था, गरीबों का था, आम लोगों का था, और जो भारत सरकार की किसान निधि है वो भी लोगों के खाते में आ गई है, तो लोगों को होली मनाने में कोई दिक्कत नहीं है। लोग उल्लास के पूर्ण तरीके से होली मनाएंगे। सबको होली के बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, आपने एक बहुत ही अच्छा काम किया है, जो डायरेक्ट बस जो चंद्रिका देवी के लिए चलाई है सर, उससे धार्मिक कहते जो लोग हैं उनको बहुत एक सुखद अनुभव मिला है। चंद्रिका देवी की जो बस है वो काफ़ी समय से मैं उसके लिए प्रयास कर रहा था, लेकिन अब माँ चंद्रिका देवी केवल लखनऊ के लिए नहीं, मुझे लगता है कि आसपास के जिलों के लोग भी उसमें वहाँ पे आते हैं, तो उनको बस की सुविधा होनी चाहिए। और अभी तो एक बस चली है, करीब दो से तीन चक्कर लगाएगी। आज उसी बस की शुरुआत मेरे द्वारा होगी, मैं चारबाग जा रहा हूँ और मैं उसी बस में बैठ करके माँ चंद्रिका देवी के दर्शन भी करूँगा। वहाँ आप के भाइयों, जो पत्रकार भाई हैं, उनको मैंने वहाँ बुला रखा है, मैं उनके साथ बैठूँगा, चाय पीऊँगा और आगे की भविष्य की जो हमारी योजनाएँ हैं, केवल माँ चंद्रिका देवी ही नहीं, इटौंजा हमारा एक बस स्टॉप होगा, जो मंत्री जी ने आदेश दे दिए हैं कि बस स्टॉप बने, और जितनी बाहर की बसें आएंगी, जो दिल्ली रूट की हों, चाहे वो शाहजहाँपुर की हों, लखीमपुर की होंगी, सीतापुर की होंगी, पीलीभीत की होंगी, तो वो सभी के स्टॉपेज वहाँ पे होंगे। और सिटी बस के माध्यम से बताना चाहता हूँ, कुछ सड़कें हमारी बन रही हैं, जैसे बख्शी का तालाब से बाबागंज का रोड जो है कुमरावा तक बन रहा है, जब ये रोड बन जाएगी तो पानीगंज के लिए बस चलेगी। मंत्री जी ने इसके लिए लगभग आदेश कर दिए हैं, लेकिन बसों की कुछ शॉर्टेज थी, अब जब बस पूरी हो जाएगी तो बसें हमारे क्षेत्र में पूरी तरीके से बसों से आच्छादित हो जाएगा। चैनल देशपद्धन न्यूज़ को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।